नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कई बार सोते समय कान में कीड़ा चले जाने से तेज दर्द होता है, यह खतरनाक भी हो सकता है। कीड़ा अगर कान के पर्दे तक पहुंच जाता है तो वो पर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है और आपको बहरा भी बना सकता है। ध्यान रखें कि कीड़ा चले जाने पर कान में उंगली, पीन या कोई तीली ना डालें, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसकी जगह पर आप इन कुछ घरेलू तरीकों को आजमा सकते हैं। अगर कान में कीड़ा चलते हुए महसूस हो तो इसका मतलब है कि अभी वो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाया है। ऐसे में आप कान को टेढ़ा करें और ज़मीन की तरफ उस कान को रखें जिसमें कीड़ा गया है। इसके बाद झटका दे, इससे कीड़ा अगर छोटा है तो वो जल्द ही बाहर आ जाएगा। कपूर का पानी भी इसके लिए लाभदायक होता है। अगर कान में चींटी या कोई छोटा कीड़ा चला गया है तो थोड़े से पानी में कपूर को घोलें और इस पानी को कान में डालें। इसके बाद कान को नीचे की तरफ पलटकर झटका दें। चींटी या कीड़ा जो भी कान में है इससे मर जाएगा और वह बाहर आ जाएगा। सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का तेल भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। यदि कान में कीड़ा चला गया हो तो आप सनफ्लावर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कान में तेल भी डाल सकते हैं। अगर कान में कीड़ा जिंदा है और चल रहा है तो आप सबसे पहले कान में कोई भी वेजिटेबल ऑयल जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल आदि डालें जिससे कीड़ा मर जाए। तेल डालने से कई बार कीड़ा पलटकर बाहर भी आ जाता है। आप चाहे तो तेल को हल्का गर्म करके डालें, इससे कीड़ा मर भी जाएगा और फिर कान को नीचे की तरफ करके झटका देने से कीड़ा बाहर आ जाएगा। गुनगुना पानी भी इसके लिए फायदेमंद माना जाता है। कई बार कीड़ा कान में जाकर मर जाता है, इसे बाहर निकालने के लिए आप कान में गुनगुना पानी डालें और फिर कान को नीचे की तरफ झुकाकर झटका दें, इससे कीड़ा बाहर आ जाएगा। ध्यान दें कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि कान बहुत ही संवेदनशील अंग होता है और कान का पर्दा बहुत झीना होता है। इसी के लिए सावधानी पूर्वक यह प्रयोग करें या किसी की सलाह के अनुसार इन प्रयोगों का इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हेल्थ से संबंधित और भी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।